मैंने बताया ही नहीं तुमको, वही तो मेरे दिमाग से निकल गया ना। वो एक्चुअली मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो सिग्नल पे एक भिखारी बैठा होता है बेचारा रोज। वो रोज कहता है भगवान के नाम पे कोई सब्जी दे दो, भगवान के नाम पे कोई सब्जी दे दो। तो मैंने सोचा चलो बेचारे के लिए ले लेता हूँ यार। सोचो बेबी, पैसा तो हर कोई दे देता है यार, सब्जी देंगे तो कितना पुण्य मिलेगा हमें, है ना। संजू तुम घर पे होते ना तो मैं तुम्हें बहुत सारा चूमती। अरे भाभी की ऐसी कोई बात नहीं, इसे भी अपना घर समझो, अपने कान बंद कर लेते हैं। और तुम जो है टप 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 टप। तो ये कितना हुआ बे, कितना हुआ? कितना हो गया? 10-20 ₹50 होगा पूरे भैया। हाँ ले, मैं घर पे ना हूँ ना, इसके ठेले पे आना नहीं। देख आएंगे, रोज आएंगे, देख लिया क्या कर लिया हुआ तुम बातें कर रहे हो ना। चुप तो बैठे हुए भाभी, कुछ तुम्हारी वजह से चुप है। तो ऐसे आदमी को तुम पता नहीं क्या करके फेंक दे, बातें कर रहे हैं हमसे। मे आई कम इन मैडम? कम इन मिस्टर साजन। वाओ मैडम, आप तो एकदम इंटरनेशनल शेफ लग रही हैं। वेल, सिर्फ दिख ही रही हूँ मैं मिस्टर साजन, अदरवाइज इंटरनेशनल क्या, मैं तो लोकल शेफ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, अब आप सही हाथों में। वैसे आप भी अच्छे लग रहे हैं मिस्टर साजन, ये अवतार आप पे काफी चश रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं ना बचपन से ऐसे ही कपड़े पहन के खाना पकाता हूँ। मैं बचपन में जब खाना पकाता था ना, तो मोहल्ले की आंटीज कहती थी कि वाओ कितना स्वीट बच्चा है, मन कर रहा है इसे ही खा जाओ। वो मैं स्वीट था ना इसलिए। इसका मतलब आप बचपन से ही खाना बना रहे हैं? ऐसा कह सकते हैं। How is that even possible, Mr. Sajan? इतनी छोटी उम्र में बिना किसी के सिखाए आप खाना कैसे बना लेते थे? मैडम आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आर्टिस्ट आर बॉर्न। Yeah? तो ये समझ लीजिए कि मैं अपने हाथों में स्वाद लेकर पैदा हुआ था। वो तो उस वक्त ना मेरी उंगलियां थोड़ी छोटी थी, तो मैं बस आटा नहीं गूंद पाता था। Well, that's very inspiring, Mr. Sajan. Anyway, आज की रेसिपी शुरू करें? Yes, 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 बिल्कुल मैडम। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। अब इस शाही पनीर को बनाने में जो मेन ट्रिक है ना मैडम, वो ये है पनीर के पीसेस को परफेक्ट साइजेस में काटना। रियली? यस मैडम, जो मैं खुद अपने हाथों से आपको सिखाऊंगा कि पनीर के पीसेस को परफेक्टली कैसे काटना है। वो तो मैं भी काट लूंगी मिस्टर साजन पनीर, आप मुझे मसालों का बताइए क्या है। नहीं नहीं मैडम, आप काटेंगी तो वो मटर पनीर, पालक पनीर, गोभी पनीर या जो भी पनीर बन सकता है, लेकिन शाही पनीर नहीं बन पाएगा। उसके लिए मुझे स्पेशली आपका हाथ पकड़ के आपसे पनीर के पीसेस स्पेसिफिकली कटवाने पड़ेंगे। तो आप ही काट दीजिए मिस्टर साजन, मैं इस बार आपको देख लेती हूँ, अगले बार मैं वैसे ही काट दूंगी। काट दीजिए। तो है What's so tricky about this, Mr. Sajan? That's easy. लेकिन अब जो दूसरी ट्रिक है ना मैडम, वो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा, वो आपको खुद काटना पड़ेगा प्याज टमाटर, मतलब मेरे हाथों से मैं आपको ऐसे कटवाऊंगा। Let's do it. Yes. तो इसके लिए पहले तो एक हम प्याज लेंगे। Okay. हाँ लीजिए। Okay. एक टमाटो लेंगे। A nice tomato. Yes. And? अब मैडम इस चाकू को पकड़िए। ओके। ऐसे ऐसे नहीं। हाँ। And we cut. इसको प्याज पे रखिए। और हल्के हल्के प्याज को काट काट। Yes. क्या? Oh my God, Sumi. Mr. Sajan, what have you done with the tomato? Mr. Sajan, बर्बाद कर दिया आपने तो इस टमाटर को। नहीं नहीं नहीं, ये आगे काम आएगा मैम। Okay,
ओके मिसेस आर्यन। आप रहने दीजिए मैडम, ये भी मैं आपको कट दिखा देता हूँ, काट के तो आप समझ जाएंगे। ओके ये प्याज को रखा, ये ऐसे एक पीस ये, ओके और फिर एक ये। ओह माय गॉड मिसेस आर्यन, आप खून निकल रहा है आपका। गॉड वेट 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 वेट, टेक दिस टेक दिस, क्लीन कर दीजिए इसे, साफ कर दीजिए। होल्ड इट होल्ड इट, ये कौन सी ब्लड? मोहन मिसेस आर्यन, ओके आप एक काम कीजिए मिस्टर साजन, आप प्लीज ये काटने वाटने के चक्कर में मत पड़िए, आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मैं खुद कर लेती हूँ, आई विल डू इट मायसेल्फ। आप वहां खड़े रहिए, दूर, जस्ट गो अवे। या ओके, तो अब इसे काटना है? यस ओके। अभी खुशबू तो नहीं आ रही है, अभी आधा घंटा मुझे लगता है इसको पकने में लगेगा। okay. तो इसको धीमी आंच पे आधा घंटा मैडम इसको पकने दीजिए अच्छे से। ओके मिस्टर साजन, मैं इसे पका देती हूँ, आप जाइए अपने डेस्क पे, मैं इसे पूरी तरह से पका के सर्व करके आपके लिए खास लेकर आऊंगी। ओके मैडम, ओके, ऑल द बेस्ट। यप यप, कम। मिस्टर साजन, फूड इज रेडी। अरे वाह वाह मैडम वाह, ठीक से पक तो गया है ना? ऑफ कोर्स मिस्टर साजन, खुशबू तो इतनी कमाल के आ रही है कि इसे सूंघ के कोई भी बता सकता है कि खाना पक चुका है। नाउ टेस्ट इट एंड टेल मी कैसा है। मुझे पूरा विश्वास है मैडम कि बहुत कमाल का खाना बना होगा ये। कैसे? फोरसाइट, दूरदृष्टिता। मिस्टर साजन, आप और क्या-क्या बता सकते हैं अपने इस फोरसाइट से? छोड़िए ना मैडम, कहते हैं कि अच्छी चीजें होने के पहले ना उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है। लेकिन मैं तो हमेशा अच्छी चीज होने से पहले ही उसका जिक्र कर देती हूँ। मैं समझा नहीं मैडम। वेल, मैंने आपसे कहा तो था मिस्टर साजन कि ये खाना मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। ऐसा कह सकते हैं। तो नजर तो लगी नहीं अब तक? अभी तक खिलाया नहीं है ना मैडम। वो भूपेश बुरी नजर के आने के पहले खिला दीजिए। मिस्टर साजन, आप डरते हैं ना मिस्टर भूपेश से कि कहीं उन्होंने देख लिया और कश्मीरा को बता दिया तो? आप तो सब जानते हैं मैडम, शक जो है ना मैडम कश्मीरा के खून में हीमोग्लोबिन से ज्यादा है। Anyway, leave that, Mr. Sajan. चलिए इसे टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए how is it? Okay. ये तो मिस्टर साजन, आप माइंड इज ब्लोन। आपको अच्छा लगा मिस्टर साजन? रियली? माइंड इज ब्लोन मैडम, माइंड इज ब्लोन। गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मिस्टर साजन, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और आपको अच्छा लगा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सुपर्ब सुपर्ब, माइंड इज ब्लोन मैडम, माइंड इज ब्लोन। ये मिस्टर साजन, वन मोर बाइट, एक और निवाला खाएंगे आप मेरे हाथों से? पेले पेले, पेले का नाम सुना है मैडम आपने? पेले एक जमाने में ब्राजील के लिए खूब फुटबॉल खेले। पेले एक बार फुटबॉल को लात मारने से मना कर सकता है, लेकिन आपके हाथों से ये खाना पेलने के लिए मैं मना नहीं कर सकता मैडम। ये ओके ओके, थैंक यू सो मच, हियर यू गो। जीनियस जीनियस मैडम, जीनियस। ओके मिस्टर साजन, क्या आप मुझे कल लौकी के कोफ्ते बनाना सिखाएंगे प्लीज? यस यस योर ऑनर। Okay, cool. Papa will be so happy, Mr. Sajan. I have to share this with Papa. Okay, I'll see you. वाजीजा, पांच सितारा होटल से खाना मंगवाया था तन्ने? जालिम, अकेले अकेले पेल रहा था? अभी गरीबों में भी बांट देकर पुण्य कमाएगा तू?
बातें करता है ना भूपेश, तो ये तेरे लिए ही मंगवाया है मैंने। वेट कर रहा था मैं तेरा कब से कि कब तू आएगा और ये खाएगा। चल खा ले, खा ले, पूरा चट कर जा, है ना, बर्तन एकदम टॉमी की तरह साफ कर देना। जा, एक बात बोलूं, तू वैसा आदमी बढ़िया से, पप्पी दे दे। पप्पी भी दे दे, तू आ, ये खा, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। मारा प्यारा जीजा, वेरी गुड यार, देखने में तो एकदम टेस्टी लग रहा था। भूपेश बेटे, लाइफ बन गई तेरी। अरे वो जीजा, अरे बावली पूछो के खिला के चला गया तू। अरे छेदी किधर मर गया यार। अरे यार जल्दी ना लिया, मुंह का टेस्ट खराब हो गया। जीजा तू जलेबी खावे और तुझे करेले का स्वाद आवे, मारी बद्दुआ लगेगी तुझे। आप अपने कंपनी के नाम पे अमल भी करते हैं यार, नहीं समझे? यूज मी। मैं आ गया हूं और मैंने लास्ट की लाइन सुन ली है। अब छेदी जी को बोलो कि मैं बाद में फोन करती हूँ अकेले में। मैं बाद में फोन करूंगी अकेले में। कश्मीरा कहे, अरे छेदी जी के रिंगटोन कह दे रहे मेरे दामाद से, मेरी बेटी थकी हुई है, वो भी इसकी वजह से अंदर आराम कर रही है। मेरी वजह से क्यों थकी हुई है? सारा दिन तो आपके साथ थी ना वो। अरे मेरे वजन से दबे हुए सोफे, कह दे रहे मेरे दामाद से कि कल रात को उससे दो दो बार खाना किसने बनवाया, इसने या मैंने? वो खाना बनाने की वजह से नहीं थकी है, किसी और वजह से थकी होगी। शराबी कहीं से। कश्मीरा, कश्मीरा आ गई। संजू तुम, बहुत थकी हुई हूँ, सो रही थी मैं। सो ली ना, अब पूरी रात जागोगी ना मेरे साथ? तुम भी ना। पूछे रे मेरे दामाद से कि आज मेरी बेटी पे बहुत प्यार आ रहा है, और अगर आ रहा है तो बंद दरवाजे के पीछे जाके करे ना। ओ सासुमा, मैं कोई आपकी तरह नवाब साहब के साथ भागने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, जो छुप छुप के करूँ बंद दरवाजे के पीछे। अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ और करूँगा खुल्लम खुल्ला। संजू दो बात है, एक तो मम्मी से ऐसे बात मत करो, और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे। करेक्ट, ये तुमने मुद्दे की बात एकदम करेक्ट बोली बेबी। सासुमा हमारे लिए पूरी दुनिया ही तो है, दुनिया गोल है। एरी कश्मीरा, अपनी माँ पे हंसना बंद कर और पूछो रे इससे कि ये तुझसे इतना प्यार क्यों जता रहा है, क्योंकि ये तो उन आदमियों में से है जो कुत्ता भी तभी पालता है जब उसे कुत्ते के बिस्किट खाने होते हैं। अरे क्यों, क्या है यार बेबी, कोई नहीं, कल हमने खाना बनाया था साथ में तो कितना मजा आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस चीज को कंटिन्यू करें, है? तो आज भी मिलके कुछ बनाते हैं ना, आज लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। चलो चलो। अरे क्या चलो, बहक गई है क्या इस कहीं आदमी के प्यार में? बोलते क्यों नहीं है कि तूने खाना बना लिया है, रोज दो दो बार खाना क्यों बनवा रहा है? क्या यार मम्मी, संजू पूरा दिन काम करके घर आए, उनको लौकी के कोफ्ते खाने की इच्छा हो रही, इसमें उनकी क्या गलती है? क्या गलती है? गलती है आज के जमाने में एक रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल फोन होता है, फिर इस आदमी ने तुझे फोन करके क्यों नहीं कहा कि रात के खाने में लौकी के कोफ्ते बना लेना? घर आके ही तुझसे क्यों मेहनत करवा रहा है ये? बात तो सही है मम्मी। क्या संजू, तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बोला कि लौकी के कोफ्ते खाने? दो दो बार मेहनत हो गई ना मेरी। तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगा लौकी के कोफ्ते, इनको मैं तरी भी नहीं दूंगा।
ठीक है जा जा उसके साथ लौकी के कोफ्ते बना ले, वरना रात तुझे मेरी तरह सो के बितानी पड़ेगी। हेलो। तो आज आप मुझे लौकी के कोफ्ते बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल मैडम, मैंने कल ही बनाने सीखे। क्या मतलब अपनी सासू माँ को कल ही बनाना सिखाए हैं। ओके, चलो फिर शुरू करें। ये पहले लौकी के छोटे छोटे टुकड़े काटिए मैडम। मिसेस साजन, आप आज मेरी मदद नहीं करेंगे? और मैं यहाँ फिर किस लिए आया हूँ? बेटा ये क्या हो क्या रहा है यहाँ ये सब? कुकिंग। बेटा मैंने एयर एजेंसी खोली है, कोई मंगलू का ढाबा नहीं खोला है, तो तुम इतने अच्छे केबिन में कुकिंग कर रही हो? कम ऑन पापा, मैं कुकिंग सीख रही हूँ। वैसे साजन बहुत ही पहुंचे हुए कुक हैं और वो मुझे कुकिंग सिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे साजन मैं आपको कितनी सैलरी देता हूँ? कुछ खास नहीं देते सर, बस घर चल जाता मेरा। छेड़ा! वैसे साजन मैं आपको जो भी सैलरी देता हूँ वो आपके लिए ज्यादा है, उसके बावजूद आप अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ कुकिंग के नाम पे भसूड़ी बो रहे हैं। What's wrong with you? आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? तो किसे डांटूं बेटा? तो मैं तुम्हें डांट नहीं सकता क्योंकि तुम तो हाथ से निकल चुकी हो। आप जानते हैं मैं ये सब क्यों सीख रही हूँ? क्यों? क्योंकि मैं आपको मामा की तरह अच्छे अच्छे डिशेस बना के खिलाना चाहती हूँ पापा। आप इतने सालों से हमारे कुक के बनाए हुए घटिया डिशेस खा रहे हैं और नहीं, मैं नहीं खाता, मैं अक्सर रात को बाहर मेरा मतलब है बाहर खा लेता। तो मतलब इतने साल हमारे कुक के बनाए हुए घटिया डिशेस मैं अकेले झेल रही थी। You've been very mean to me, लेकिन मैं एक अच्छी बेटी होने का कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। पापा मैं मम्मा की तरह आपको अच्छे डिशेस बना के खिलाना चाहती हूँ। सॉरी बेटी। क्या बना रही हो बेटा? क्या बना रही हो? Your favorite, लौकी के कोफ्ते। बेटा तुम्हारी माँ के हाथ के लौकी के कोफ्ते बहुत अलौकिक होते थे। मिस्टर साजन अगर तुम्हें अच्छी कुकिंग सिखा दें तो तुम्हें ना मम्मी कहना हो। मिस्टर साजन, ये आपने खाना बनाना कब सीखा? कॉलेज के दिनों में, हॉस्टल में रहते रहते। क्यों सर? मुझे आपके इस हुनर पर थोड़ा डाउट है। मेरे कौन से हुनर पे आपको डाउट नहीं है सर? खाना बनाने का तो पता नहीं, लेकिन आप गधा बनाने में बहुत माहिर हैं। चेदी! यस सर। तू लेमन जूस ले। सिट डाउन मिस्टर साजन। मिस्टर साजन, आपने छेदी को सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया था? जी सर, वो मुझे अपना गुस्सा निकालना था। आइंदा मत निकालिए, वरना मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। हेलो पीपल। हेलो बेटा। लौकी के कोफ्ते बिल्कुल तैयार है। कम ऑन पापा, स्टार्ट कीजिए। देखें। ओके। How's it पापा? मिसेस साजन आप बताइए। मैं तो मैडम आपकी कुकिंग का फैन हूँ ना। मैं तो कल से खा रहा हूँ, आज आपके पापा बताएंगे। कैसा है सर, बताइए। क्या बात, क्या बात? कोई बात नहीं है पापा, टेस्ट करके तो बताइए कैसा लगा आपको। क्या बात, क्या बात? मैडम ये क्या बात जो है ना, तारीफ में कहते हैं। जब कोई सामने वाला काफी उम्दा कलाकार हो ना तो उसके लिए कहते हैं। Like that? क्या बात, क्या बात? Yeah, I'm so happy.
मिस्टर सर्जन, मैंने अपनी जिंदगी में इतने घटिया कोफ्ते कभी नहीं खाए। बहुत ही घटिया बने हुए हैं सर। खबरदार मिस्टर सर्जन, अगर आपने मेरी बेटी से कहा कि बहुत ही घटिया बने तो मैं कहा कह रहा हूँ सर। मिस्टर सर्जन, कैसे भी करके संजना के सर से ये खाना बनाने का भूत उतारिए। ऐसा मत कहिए ना सर, आपकी बेटी है, धीरे धीरे सीख जाएंगी। मिस्टर सर्जन, मुझे ये बताते हुए कोफ्त हो रही है कि जिस इंसान ने ऐसे हाफते हुए कोफ्ते बनाए हो, ऐसे इंसान को कोई हक नहीं है कि वो खाना बनाए। कुछ कीजिए मिस्टर सर्जन बस। We'll be right back.